क्या क्या हालचाल। आई होप सब अच्छे होंगे। तो यार देखो, कुछ दिन हमने स्केटिंग वगैरह सीखी थी यहाँ पर, तो यार लगभग 4-5 बार गिरा था मैं, क्योंकि यार यहाँ भाई छत पे मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी छत भी नहीं है, देख सकते हो, मतलब है तो थोड़ा, पर इतना स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना वो स्केटिंग सीखते नहीं बनेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आउटडोर में आज स्केट वगैरह किया जाए, सीखा जाए। तो यार अभी क्या, अभी हम आउटडोर में स्केटिंग सीखने के लिए जाने वाले हैं। तो यार मैंने एक रोड देख रखी है, बहुत ज़्यादा बिजी रोड नहीं है, तो वहीं जा कर के हम सीखेंगे जा कर के स्केटिंग। तो क्या है, उस दिन भाई यहाँ पर लगभग 4-5 साल गिर चुका था यार मैं, और चोट वगैरह भी थोड़ी लग चुकी है। आज देखते हैं क्या सीन रहता है। आज उस दिन था फर्स्ट डे और आज ये मेरा स्केटिंग का सेकेंड डे। तो यार चलिए चलते हैं और वहाँ पर स्केटिंग वगैरह ट्राई करते हैं। आप ब्लॉग में पूरा लास्ट तक बनिएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी मैं आ चुका हूँ आउटडोर में स्केटिंग वगैरह करने के लिए। तो यार चलिए सबसे पहले तो शूज वगैरह पहनते हैं, फिर उसके बाद करते हैं स्केटिंग। आप वाह भाई मेरा वाह। तो मेरा सुपर स्टार आ रहा है, तो ये अब स्केटिंग करके दिखाने वाला गाइस आप लोगों को। देखिए वाह क्या स्केटिंग है, मजा आ गया एक बार में ही। कमोन कमोन कमोन, बस भैया थोड़ा साइड में जा, मोटरसाइकिल आ रही पीछे, मोटरसाइकिल आ रही आगे रही, चल थोड़ी देर रुक जा भैया, रुक जा, चल चल। ये क्या है पीछे का इतना झोंका, अरे गिर गई रे, पैरा पा पैरा, रुक जा रुक जा। हां यार इंग इंग कर लेंगे। हां गुड। कोई बात नहीं होता है, अबे लौड़े सही से चल, तुम तो सीख गए हो पूरी तरह से। वाह वाह वेरी फैंटास्टिक, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी, वेरी गुड, मुझे पता है तुम कर सकते हो, कम ऑन लेट्स गो। बहुत सही आ जाओ बहुत सही, ऐसे 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 ही, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वाओ वाओ A few hours later. दो तीन घंटे तक स्केटिंग वगैरह जो है ना वो ट्राई किया, और भाई साहब आज बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा। गाइस उस दिन जब मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे कर रहा था स्केटिंग वगैरह सीख रहा था, तो भाई साहब मेरा जो बैलेंस था वो शूज पर बिल्कुल भी नहीं था। पर आज जब सेकेंड डे ना, कम से कम भाई साहब उस दिन तो मैं बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल बैलेंस नहीं था शूज पर गाइस आज किया है, आज सेकेंड डे आया तो भाई कम से कम खड़ा तो हो ले रहा हूँ मैं। दिन का बताऊँ, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो फर्स्ट टाइम मैंने शूज वगैरह पहने थे, तो यार जैसे ही शूज पहन रहा था और ट्राई कर रहा था स्केटिंग का, तो भाई गिर जा रहा था ज़्यादा, बहुत जल्दी जल्दी गिर जा रहा था उस दिन। तो आज क्या, आज मैं यहाँ पर आउटडोर में आया था स्केटिंग वगैरह ट्राई करने के लिए। यहाँ पर भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जगह है, रोड है भाई, इसलिए तो आज क्या मुझे फ़ायदा हुआ है गाइस, कम से कम मैंने लगभग 2-3 घंटे तक ट्राई किया, तो भाई कम से कम शूज पहन के खड़ा तो
हो ले रहा हूँ भाई, उन पर मुझे बैलेंस ना थोड़ा थोड़ा बनाना आ गया है। तो अभी हम डेली स्केटिंग वगैरह सीखेंगे, बाकी यार अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो यार चलिए घर पर चलते हैं। A few minutes later. अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर, और भाई साहब आज था हमारा स्केटिंग का दूसरा दिन। भाई काफ़ी गिरा हूँ, आज भी चोट वगैरह लग चुकी है यार, हाथ वूथ में चोट लगी है और भाई यहाँ थोड़ा बहुत लगा हुआ है। तो यार आज क्या है, आज हमने लगभग मतलब उस दिन फर्स्ट डे तो भाई बिल्कुल मेरा बैलेंस वगैरह नहीं था, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर आज ना वो मैंने शूज पर थोड़ा सा बैलेंस बना लिया, आज कम से कम खड़ा तो हो पा रहा था। तो अब हम ऐसे ही डेली स्केटिंग वगैरह ट्राई किया करेंगे, तो आपको ब्लॉग वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाकी यार आज टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इसलिए ब्लॉग को एक लाइक कर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर एक अपनी प्यारी सी लवली सी कमेंट कर दें, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको और भी ऐसे ब्लॉग्स वगैरह मिलते रहें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा वाह वाह।